खबर गाजीपुर के सैदपुर नगर के रंग महल स्थित गंगा घाट पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य विभाग के तत्वाधान में रिवर रैचिंग किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के पिता मुन्ना सिंह ने गंगा नदी में 1,95,000 छोटी मछलियां छोड़ी। मुख्य अतिथि ने कहा कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने व नदियों की पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने को सरकार ने लाखों की संख्या में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को छोड़ने का निर्णय लिया है। मत्स्य विभाग गाजीपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि ये मछलियां नदी में नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ाने वाले कारकों को नष्ट करेंगे, जिससे गंगा अविरल और निर्मल बनने की तरफ बढ़ रही है। आकाशदीप ने कहा कि गंगा की स्वच्छता और भूगर्भ जल के संरक्षण के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। कहा कि ये मछलियां गंगा की गंदगी को तो समाप्त करती हैं, साथ ही जलीय जंतुओं के हितकारी भी होती हैं। इस मौके पर सभासद ब्रजेश जायसवाल, हिमांशु सोनी, पूर्व सभासद रविकांत निषाद, संतोष सुनकर, रविंद्र निषाद, संजय निषाद आदि लोग उपस्थित रहे। सर, मैं माँ गंगा हैचरी सैदपुर मत्स्य उत्पादन केंद्र से, मेरा नाम रविकांत निषाद है। मेरी हैचरी सर लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व से बना हुआ है, और इस प्रधानमंत्री रिवर हैचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत माँ गंगा हैचरी नर्सरी को चयनित किया गया, जिसमें हमें गंगा नदी से बड़ी मछलियाँ रोहू, नयन, कतला, ये बोर्डर पकड़ के उनका प्रजनन हमारे फार्म पे कराना था, और उन मछलियों को पकड़ के हम अपने फार्म पे प्रजनन कराया और उसका बच्चा तैयार किया, और उस बच्चे को तैयार करके गंगा नदी में छोड़ा गया। ये जो आप काम करवाते हैं मछली छोड़ने का, जो तो इससे कितना लोगों को फ़ायदा मिलेगा? सर, इससे मछुआ वर्ग के लोगों को, जितने भी नदी के किनारे रहने वाले मछुआ समुदाय के लोग हैं, इनको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। क्यों से कुछ प्रजातियां इसमें से जो लुप्त हो चुकी हैं, इसको हमें फिंगरलिंग करके डालने में ये प्रजातियां खत्म नहीं होंगी, ये बढ़ेंगे, और इसको जब बढ़ेंगे तो मछुआ समुदाय के लोग का अच्छा मतलब विकास होगा, शिकार करेंगे, और गंगा नदी की सफाई वगैरह भी, जो भी गंदगियाँ रहती हैं, इसके भेष भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो सर, क्या लगता है आप जो योजना के यहाँ पे लेके आए हैं, तो क्या लगता है ये योजना से लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है? लोग मच्छी छोड़ने का काम बहुत कम करते हैं, मारने का काम ज़्यादा करते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे आप छोड़ के कितने लोगों की भलाई इसमें हो रही है? सर, इसमें भलाई करीब करीब समझ लीजिए 95% लोगों की होनी है, क्योंकि जो मछुआ वर्ग के लोग हैं, तो जो गंगा नदी में संचय होती हैं मछलियाँ, उस समय तो बाकी कहीं चली जाती है, लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको कई कार्यक्रम के तहत कई बार डाला जा रहा है। अब इस समय मछलियाँ जो हैं बह के मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी, ये घूम फिर के मतलब अपने ही मतलब क्षेत्र में रहेंगी, बड़ी होंगी, तो इससे इसका लक्ष्य मतलब मछुआ वर्ग को मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रिवर रैचिंग, नदियों में मत्स्य संचय का कार्यक्रम था, जिसमें हमें 3,00,000 मत्स्य संचय करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो प्रथम फेज में हमने 40,000 और दूसरे फेज में 65,000, आज तीसरे फेज में 1,95,000 मत्स्य बीज गंगा नदी के रंगमहल घाट पर संचय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा में जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उसको बचाने के लिए और गंगा नदी को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए ऐसा कार्यक्रम जनपद गाजीपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किया जा रहा है। गाजीपुर जनपद में एकमात्र इसी जगह पे किया गया है कि और कहीं भी किया गया? नहीं, आज रंगमहल घाट ही हमारे लिए चयनित था, इसी जगह हम लोग करते आए हैं पिछले बार से, और अब की बार में भी इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को पूरा करते हुए हमने 1,95,000 मत्स्य अंगुलिकाओं का गंगा नदी में संचय किया। कौन मुख्य अतिथि सर था? सर, यार मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना पुरी थी, किसी कारण परिवार कारणों बस नहीं आ सकी, तो उनके पिता श्री मुन्ना सिंह जी द्वारा उनके कर कमलों से गंगा नदी में बच्चे का संचयन किया। इस योजनाओं से कितना लाभ मिलेगा? इस योजनाओं से गंगा नदी के किनारे जो मछुआरा समुदाय है उसमें बसे लोगों को गंगा नदी से जब यह मछलियाँ बढ़ेंगी तो उसका वो जो है
आखेट करेंगे तो गंगा नदी के किनारे जो हमारे मछुआ समुदाय आबादी बहुत बची है उसको लाभ मिलेगा और गंगा को स्वच्छ रखने में ये मछलियाँ अधिक सहायक बनेंगे। तो ये योजना साल में कितनी बार होती है? योजना साल में एक बार लक्ष्य प्राप्त होता है, जिसको हमने 3 लाख लक्ष्य प्राप्त था, जिसको हमने 3 चरणों में किया है, 40 प्रथम चरण में और 65 द्वितीय चरण में, तीसरा 95 लाख मछली संचय करके इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। इसमें कौन सी प्रजाति की मछली थी? मेजर का प्रजाति है रोहू, नैन और भाकुर। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सही। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।